हेलो शेफडॉन चैनल पे आपका स्वागत है। मैं विनोद नाइक। आज हम बनाएंगे बांगड़ेसा तिखट। यस, बांगड़ेसा तिखट ज़्यादातर ये डिश आपको कोंकण गोवा इस तरफ आपको मिलता है, तो मैं बचपन से इसको एंजॉय करते आ रहा हूँ, सोचा आप तक भी पहुँचा दूँ इसको। तो शुरू करते हैं बांगड़ेसा तिखट। जो इसके लिए जो जो सामग्री चाहिए वो यहाँ पर। तो बांगड़े से तिखट बनाने के लिए जो सामग्री चाहिए इसके लिए मैंने लिया मैकरल, बांगड़ा, कोरिएंडर सीड, ड्राई कोरिएंडर सीड, लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, फ्रेशली ग्रेट कोकोनट, एक प्याज, छोटा जिंजर का टुकड़ा और 6 गार्लिक लिया और कोकुम। ये है शेजवान, ये है त्रिफल, नमक और तेल, कुकनी में त्रिफल। तो ये सब सामग्री आपको बांगड़े से तिखट बनाने के लिए चाहिए। तो मैं शुरू करने से पहले एक बात बता दूं, कोकम, शेजवान, नमक, तेल छोड़कर ये सारा चीज हम लोग पीस लेंगे। इसको पानी में भिगो के रखेंगे और बाकी का काम शुरू कर देंगे। डालकर भिगाया है, गरम पानी डालकर, नारियल, मिर्ची, धनिया सीड, हल्दी पाउडर, गार्लिक, जिंजर, प्याज। इतना सा पानी मैंने लिया है, एक ग्लास पानी लिया है। तो सॉस का थिकनेस आप देख लो, इस तरह से इतना थिक बनाया है सॉस, कितना खूबसूरत लग रहा है ना। तो मसाला आपने देखा कितना थिक, और आपको फाइन पीसना है इसको। देखा उसे कितना स्मूथनेस है वो मसाले में, जितना अच्छा दिखेगा उतना अच्छा खाने में मजा भी आएगा। तो उसको अच्छी तरह से पीस लेना है, थोड़ा टाइम लगेगा पर मेक श्योर एकदम फाइन हो। उसके बाद हम लोग अगला पड़ाव करते हैं। तो मैंने इधर एक कढ़ाई लिया है, ये कढ़ाई लिया मैंने, मैं इसमें बनाऊंगा। तो इसमें मैं पहले, अभी गरम हो गया है, कढ़ाई गरम हो गया, तो मैं इसमें थोड़ा तेल डाल लेता हूँ। अब हम इसमें मसाला डाल देते हैं। इसमें जो मिक्सर में जो बचा कुचा सॉस था उसमें पानी डाल के मैंने निकाला हुआ है, तो ज़्यादा नहीं डालना है आपको पानी, थोड़ा सा डालना है। जैसे ही आपने मसाला डाला, तो आपने देखा तेल में मसाला जैसे ही जाएगा तो उसको अच्छी तरह से आपको भून लेना है, क्योंकि वो जो मसाला है वो कच्चा है, तो हम इसको इस तरह से पकाएंगे। सॉस अभी जैसे जैसे पक रहा है, जैसे जैसे ये सॉस पक रहा है तो ये उछल रहा है, ये उछल रहा है। इसके लिए आपको ध्यान रखना है, इसको घुमाते रहना है ताकि आपके चेहरे पे ना जाए या दाएं बाएं ना चले जाए, नहीं तो पूरा सॉस बाहर चला जाएगा, आधा हो जाएगा खाना आपका। तो इसके लिए इसको हम लोग घुमाते रहेंगे जब तक अच्छी तरह पक ना जाए। अभी मसाला ये पक गया है, अब हम लोग इसमें डालेंगे मच्छी। इसको धीरे से मिक्स करना, थोड़ा सा पानी और ऐड कर लिया है। तो इसमें कोकम ऐड करेंगे, कोकम हमेशा लास्ट में ऐड करना होता है। कोकम ऐड कर दिया, अब नमक स्वाद अनुसार आप अपना नमक ऐड कर लो।
हम इसमें हम डालेंगे शेजवान पेपर त्रिफल जिसको बोलते हैं वो मैं इसमें करछी नहीं डालूंगा क्योंकि वो मच्छी टूट फूट जाएगा इस तरह से दिख रहा है तो मैंने चेक किया है टेस्ट किया है इस फैंटास्टिक टेस्ट अब मैं इसको प्रेजेंटेशन करके बताता हूँ आपको तो ये अपना बंगड़ियाचा तिखट रेडी है रेडी टू ईट बंगड़ियाचा तिखट रेडी हो गया